हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं विषाणु जनित रोग यानी विषाणु यानी वायरस से फैलने वाले रोगों के बारे में ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी दोस्तों, जो आपको जीवन भर याद रहेगा। बस 2 मिनट में आप याद कर लेंगे। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी ऐसा संभव है। आज मैं वायरस यानी विषाणु से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं ट्रिक के माध्यम से एंड किस विषाणु से कौन सा रोग फैलता है और किस अंग को प्रभावित करता है, उसके लक्षण क्या हैं, इतना से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 100 से ज्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के हैं और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी कराए जा रहे हैं। तो पूर्ण तैयारी के लिए मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे नया वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों मैं बताने वाली हूँ कि विषाणु यानी वायरस से फैलने वाले रोग कौन कौन है। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से फैलने वाले रोगों को ट्रिक के बारे में बता चुकी हूँ, जिस वीडियो को आपने बहुत ही पसंद किया। एंड जैसा कि मैं संक्रामक रोग के बारे में बता चुकी हूँ उस वीडियो में। संक्रामक रोग वह रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक जंतु से दूसरे जंतु तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं और यह जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, अन्य सूक्ष्म जीव जो वातावरण के माध्यम से हवा, धूल, मिट्टी, पानी, भोजन या सीधे संपर्क आदि के माध्यम से फैलते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, इफेक्टियस, कंटेजियस, इन्फेक्टियस। कंटेजियस जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है, इन्फेक्टियस जो हवा, पानी, भोजन, कीट द्वारा फैलता है। तो यही जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, अन्य सूक्ष्म जीवों से संक्रामक रोग फैलता है, जिसमें से मैं जीवाणु जनित रोग के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल डिजीज यानी कि वायरस से फैलने वाले रोगों को बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, इसका ट्रिक है, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। इसको 8 से 10 बार कॉपी पे लिख लीजिए, आपको खुद ही ये शब्द ही इंटरेस्टिंग है, आपको हमेशा याद हो जाएगा। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो, ठीक है। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो, इसी तरह 5 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। तो इसी के आधार पर सभी वायरस से होने वाले रोगों को आप जान सकते हैं। ए से हो जाएगा दोस्तों एड्स, चाचा से हो जाएगा चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, इन्हीं में ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा यानी प्रतिस्यान, जिसे श्लेष्मा ज्वर कहते हैं, एंड हे से हो जाएगा हर्पिस और डा से हो जाएगा डेंगू, जिसे हड्डी तोड़ बुखार यानी बैक बोन फीवर भी बोलते हैं, एंड टो से हो जाएगा ट्रेकोमा, जिसे रोहे भी बोला जाता है, ये आंख का रोग है। एंड दोस्तों मत से हो जाएगा मेनिनजाइटिस, जो जीवाणु और विषाणु दोनों द्वारा फैलता है। ख से हो जाएगा खसरा, जिसे मिजल्स कहते हैं। रे से हो जाएगा रेबीज, जिसे अलर्क रोग या हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। एंड दोस्तों गाल से हो जाएगा गलसुआ, जिसे मम्स बोलते हैं। एंड पे से हो जाएगा पीलिया, जिसे जॉन्डिस या हेपेटाइटिस या यकृत शोथ भी बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। एंड दोस्तों छा से हो जाएगा छोटी माता, जिसे चिकन पॉक्स बोला जाता है, ठीक है। एंड पो से हो जाएगा पोलियो, जिसे पोलियो माइलाइटिस या इंफानाटाइल पैरालिसिस भी बोला जाता है। एंड दोस्तों इसके अलावा आपका होगा सर्दी जुखाम, जिसे कॉमन कोल्ड कहते हैं, जो रेनो वायरस से फैलता है। एंड रूबेला या जर्मन खसरा भी है, जो वायरस से फैलता है, जो टोंगा वायरस से फैलता है, ठीक है दोस्तों। एंड वूपिंग कॉक, पर्टुसिस भी इसी के अंतर्गत आता है। अब तो हम जान लिए दोस्तों कि इससे फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं, उसके नाम जान लिए ट्रिक के माध्यम से, अब आप कभी नहीं भूल सकते। अब हम जानेंगे कि कौन से वायरस से कौन सा रोग फैलता है,
ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एड्स। एड्स जो है दोस्तों वह किस वायरस से फैलता है? एचआईवी। किस वायरस से फैलता है? एचआईवी वायरस से, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। एंड दोस्तों जो एड्स होता है वह प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि किस वायरस से फैलता है, उसके बाद हम कौन क्या प्रभावित करता है उसके बारे में जानेंगे। तो चेचक, चेचक जो होता है वह वेरिवोला वायरस के द्वारा फैलता है। एंड नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा, जिसे प्रतिश्याम या श्लेष्मा ज्वर बोला जाता है। यह मिक्सो अर्थोमिक्सो वरीडे आर्थोमिक्सो वायरस द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है से हर्पिस। हर्पिस जो है डीएनए हर्पिस वायरस से फैलता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है डा से डेंगू, जिसे हड्डी तोड़ बुखार बैक बोन फीवर भी कहते हैं। यह अर्बो वायरस एडिज एडिपचाई मच्छर के काटने से फैलता है। एंड नेक्स्ट है टोसेट्रेकोमा, जिसे रोहे भी बोला जाता है। यह क्लेमेडिया ट्रेकोमेटिस नामक विषाणु यानी वायरस से फैलता है। नेक्स्ट है मेनिनजाइटिस, जो जीवाणु प्लस विषाणु दोनों से फैलता है दोस्तों। यह निसेरिया मेनिनजाइटिस वायरस या बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट है खसरा, जिसे मिजल्स बोला जाता है इंग्लिश में। यह अरण्य पैरामिक्स वायरस या रूबेला मोरबिली वायरस से फैलता है। नेक्स्ट है रेबीज, जिसे अलर्क रोग भी बोला जाता है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है। यह रहेबडो वायरस के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है गाल से गलसुआ, जिसे मम्स बोला जाता है। यह मम्स वायरस या अरण्य वायरस या पैरामिक्स वोरिडे या रूबुला वायरस से फैलता है। नेक्स्ट है पीलिया, जिसे जॉन्डिस हेपेटाइटिस या यकृत शोथ रोग बोला जाता है। यह हेपेटाइटिस ए वायरस एचएवी एंड पिकोरोना विरिडे वायरस से फैलता है। नेक्स्ट है छा से छोटी माता, जिसे चिकन पॉक्स बोला जाता है। दोस्तों चेचक को स्मॉल पॉक्स बोला जाता है, छोटी माता को चिकन पॉक्स बोला जाता है। यह वेरिसेला वायरस द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है पोलियो, ठीक है दोस्तों, जिसके पोलियो माइलाइटिस इंफानाटाइल पैरालिसिस भी बोला जाता है। जो पोलियो अरण्य वायरस पिकोरोना वायरस से फैलता है। नेक्स्ट है सर्दी जुकाम कॉमन कोल्ड, जिसे बोला जाता है, जो रहीनो वायरस से फैलता है। नेक्स्ट है रूबेला यानी जर्मन खसरा, ठीक है, जर्मन मिजल्स, जो टोंगा वायरस से फैलता है। ध्यान में रखिएगा खसरा जो है वो रूबेला मोरबिली या अरण्य पैरामिक्स वायरस से फैलता है, जबकि रूबेला जर्मन खसरा जो है वो टोंगा वायरस से फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इन सभी रोगों रोग जो है इस अंग को प्रभावित करते हैं और इन रोगों के लक्षण क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एड्स की। यह दोस्तों प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा फैलता है, तीन माध्यम से फैलता है दोस्तों। या तो आप को कोई सुई लगा रहा है, यानी एक व्यक्ति को लगा करके, जिस व्यक्ति में एड्स है मान लो उसे लगा दिया और उसी सुई का प्रयोग करके आपको लगा दिया, तो इससे हो सकता है यानी प्रत्यक्ष संपर्क से। या आपकी माँ को है और आप माँ गर्भवती है तो उसके बच्चे में जा सकता है। या आप एक सेक्सुअल रिलेशनशिप से भी यह होता है। एंड तीन माध्यम से ही फैलता है। यह भ्रामक बहुत सारी बातें होती हैं कि उसे टच मत हो या हाथ मिलाने से होता है, ये सब भ्रामक चीजें हैं। ओनली तीन माध्यम से ही एड्स फैलता है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको प्रभावित अंग आपको किसको प्रभावित करता है? हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को ही प्रभावित करता है। यह प्रत्यक्ष संपर्क से फैलता है। इसका लक्षण है कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है यानी इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है।
एंड दोस्तों नेक्स्ट है चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स बोला जाता है, जो प्रत्यक्ष संपर्क से फैलता है। यह त्वचा और शरीर को प्रभावित करता है, जैसा कि आप जानते हैं। इसमें सिर दर्द, बुखार, उल्टी, दाने, वो हमेशा के लिए दाने मुहांसे हमारे चेहरे पर निकल जाते हैं, वो हमेशा के लिए निशान हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इन्फ्लुएंजा, जो प्रत्यक्ष संपर्क से फैलता है, यह हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और इसे छींक, त्वचा में खराश, आंख व नाक से द्रव बहना, भूख न लगना, ये सब लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है हर्पिस, जो प्रत्यक्ष संपर्क से फैलता है। यह त्वचा श्लेष्मक कला को प्रभावित करता है। हर्पिस में क्या होता है, ज्वर आता है, फोड़े और चमड़ी में जलन होता है। नेक्स्ट है डेंगू। डेंगू दोस्तों एडीज एडिचाई मच्छर के काटने से फैलता है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि मलेरिया और डेंगू में क्या अंतर है। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है और यह वायरस से, डेंगू वायरस से फैलता है। डेंगू में जो होता है वह हमारे प्लेटलेट्स को ही खा लेता है, प्रभावित करता है। और जब मलेरिया जो होता है उसमें आरबीसी खत्म हो जाता है, या प्लेटलेट्स यानी जो हमारे इम्यून सिस्टम का मेन होता है उसको ही खा लेता है, इसलिए डेंगू ज्यादा खतरनाक होता है। तो डेंगू जो है एडिचाई मच्छर के काटने से फैलता है। एंड दोस्तों यह पेशी व हमारे हड्डियों को, जोड़ को प्रभावित करता है। और इसका लक्षण क्या है, संपूर्ण शरीर में दर्द व ज्वर, आंखों में पानी आना, इसका लक्षण है। नेक्स्ट है ट्रेकोमा, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्क दोनों से फैलता है। आंख, कार्निया तथा कंजक्टिवा को प्रभावित करता है। आंखें लाल व दर्द करती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों खसरा। खसरा जो होता है दोस्तों, यह नेक्स्ट है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस में क्या होता है कि यह मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली को प्रभावित करता है, जिसमें तीव्र ज्वर, सिर दर्द, उल्टी, नाक बहना, गर्दन का अकड़ना आदि लक्षण होता है। नेक्स्ट है खसरा यानी मिजल्स, जो प्रत्यक्ष संपर्क से फैलता है। यह संपूर्ण शरीर में होता है, जैसे कि दोस्तों इसका लक्षण है कि शरीर पर लाल दाने या इन्हीं लाल दानों को रूबेला कहते हैं। शरीर पर लाल लाल दाने हो जाते हैं और इन्हीं को रूबेला या खसरा बोला जाता है। नेक्स्ट है रेबीज, जिसे अलर्क रोग भी बोला जाता है। तो रेबीज क्या होता है दोस्तों, यह संक्रमित स्तनधारियों से दूसरे जीवों में फैलता है। जैसे कि रेबीज यानी जैसे कि पागल कुत्ता, कोई कुत्ता रेबीज से ग्रसित है, वह आपको काट दिया, वो संक्रमित है, स्तनधारी है जो आपको काट दिया, तो आपको रेबीज हो जाएगा। तो संक्रमित स्तनधारियों से दूसरे जीव को काटने से यह होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और रेबीज रोग ऐसा रोग है जो हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इसका लक्षण क्या है कि पानी से डर लगता है और इसमें ज्वर और श्वास लेने में परेशानी होती है। दोस्तों कई बार पूछा गया है कि किस रोग में पानी से डर लगता है, तो रेबीज में, रेबीज रोग से पानी में डर लगता है, पानी से डर लगता है। नेक्स्ट है गलसुआ, जिसे मम्स बोला जाता है, ठीक है। यह पैराथायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। इसमें पैराथायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, अग्नाशय, वृषण व लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है, इस सबको कहते हैं मम्स। यह प्रत्यक्ष संपर्क से फैलता है। इसका लक्षण है बुखार, उल्टी, सिर दर्द। नेक्स्ट है पीलिया, जिसे जॉन्डिस से हेपेटाइटिस एंड यकृत शोथ भी कहा जाता है। यह दोस्तों हमारे यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। एंड इसका लक्षण है बुखार, थकान, वजन घटना, कमजोरी, पेट व सिर में दर्द, पेशाब का रंग गहरा, भूख न लगना आदि। नेक्स्ट है छोटी माता, जो प्रत्यक्ष संपर्क से फैलता है। यह भी संपूर्ण शरीर और त्वचा को प्रभावित करता है। संपूर्ण शरीर पर प्रतिकार हो जाता है और ज्वर होता है, इसके लक्षण है। नेक्स्ट है पोलियो, यह हवा के माध्यम से मलमूत्र द्वारा फैलता है। जैसा कि यह तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जैसा कि आप जान हैं, हाथ पैर में लकवा हो जाता है। नेक्स्ट है सर्दी जुकाम, जिसे कॉमन कोल्ड कहते हैं। ये वायु द्वारा फैलता है, यह हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। नाक से पानी, सिर दर्द होता है, ठीक है। तो हमने जाना दोस्तों कि विषाणु या वायरस से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं,
किस वायरस से कौन सा रोग फैलता है, ये रोग किस अंग को प्रभावित करते हैं, इसके लक्षण क्या हैं। बस दोस्तों इतना ही आप याद कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों ये सब आपको समझ में आया होगा, विषाणुजनित सभी रोग अब आप कभी नहीं भूल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे कि कौन कवक यानी कि फंगल डिजीज कौन कौन से हैं, एंड उसके बाद परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, एंड उसके बाद जो अनुवांशिक रोग होते हैं। तो इस प्रकार से आपका रोग वाला सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इन सभी के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और बने रहिए मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे अच्छी तैयारी के लिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।